हाथों को खुला रखें, प्रभु की पवित्र उपस्थिति को इसी समय अनुभव करें। आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं, अपने आप को सबसे पहले प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जैसे भी आप हैं, जहां से भी हैं, जो कोई भी हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिएगा। अपनी कमी, अपने पाप, अपनी सारी कमजोरियां, चिंताएं, शंकाएं, डर, भय, सब कुछ प्रभु के हाथों में इस समय दीजिए। हम जैसे हैं वैसे प्रभु के करीब आने की कोशिश करें। जिस भी प्रकार से हम हैं, जहां कहीं भी हैं, जिस हालत में हैं, प्रभु के चरणों में आए। पाप की अवस्था में हैं तो भी हमें प्रभु की ही जरूरत है। प्रभु के करीब आइए, उसके करीब, उसके पास आइए। वो हम पर दया करने वाला ईश्वर है, वो हम पर करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र के समान लौट कर आने वाले पर प्रभु सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने वाला ईश्वर है। हम धन्यवाद दें, उसके करीब चले आए। करता हूं मैं वंदना, मिलकर गाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूं मैं वंदना। और एक बार दिल की गहराई से कहिए, मेरे प्रभु पर दया करना।
धोना
जीवन जल पाने आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन में लाया हूँ। यीशु तू है अमृत झरना, जीवन जल समर्पित होकर मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाह को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाह मिटाने वाले आराधना।
संग तेरी आराधना राजा है दया सागर है सहज ही द्रवित हो जाता है तेरी आराधना करते हैं हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं उसकी महिमा हम पर छाई हुई है उसका वादा है जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। ये पवित्र संध्या अनुग्रह की संध्या है आशीषों और बरकतों को ग्रहण करने का यह समय है धन्यवाद देने का यह समय है। प्रभु कह रहे हैं कि आज आप में से बहुत सारे लोग टेंशन में हैं तनाव में हैं जुड़ जाना प्रभु से मशवरा करना बातें करना। प्रभु कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे दूर हैं नवयुवक नवयुवतियां नौजवान बेटे और बेटियां वो अपने कामों में मस्त हैं कहता है तुम मेरे पास लौट कर चले आओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग जिनके आज काम नहीं बने हैं शायद अपनी जिंदगी से अपने काम से अपने पेशे से अपनी योजनाओं और निर्णयों से निराश हैं समर्पित हो जाना प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु के पवित्र सामर्थी वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है। मेरा पिता बागवान है जो डालियां फल उत्पन्न नहीं करती सूख जाती हैं वो उन्हें काटता छांटता और अलग करता है।
इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, यह संध्या का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उसकी हुजूरी में उपस्थित होकर धन्यवाद देने का समय है। परमेश्वर ने आज हमें एक अच्छा दिन दिया, हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम जहां कहीं भी गए, उसके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते रहे, दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें संभालते रहे। इसलिए स्तोत्रकार कहता, धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मैं वीणा बजाते हुए प्रभु को धन्य कहूँगा, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करूँगा। हालेलुया, पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 10, तब दाऊद ने भरी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों में धन्यवाद दिया। हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है, प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरा गुणगान करती है। मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा, मैं गाते बजाते हुए तेरा नाम धन्य कहूंगा। हालेलुया, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगा। मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर उसका नाम लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में आ जाइए। आप जिस जिस घर में गए, उस घर में शांति आई, उद्धार आया, मुक्ति आई। आज मेरे घर में भी आ जाइए, जिससे कि मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मशवरा करना है, अपने जीवन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने विश्वास के लिए। हे प्रभु, मुझसे बातें कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग लोगों से बातें करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। आज प्रभु से मशवरा लेना, कुछ सवाल जो जिनके जवाब नहीं मिलते हैं, आज प्रभु से पूछना। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, फादर जी आखिर मेरे जीवन में क्यों ऐसा, मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है। मेरे बच्चे की शादी होते होते टूट जाती है, उसे देखने के लिए लोग आते हैं परंतु रिश्ता नहीं बन पाता है। मेरी नौकरी मिलते मिलते मैं रह जाता हूँ, मेरे इंटरव्यू की फाइल आगे बढ़ती है लेकिन आखिरी क्षणों में मैं फेल हो जाता हूँ, असफल रहता हूँ। मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरी तिजोरी में कभी जमा नहीं होता है, मैं जो कमाता हूँ शायद उस पर बरकत नहीं है। प्रियजनों, ये सवाल आपके मन में है, आपके हृदय में है। धन्यवाद देना सबसे पहले, और अपनी बातें प्रभु के सामने आज रखना, अपने बेटे के बारे में, अपने पति के बारे में, बच्चों के विषय में, कामकाज के विषय में, एक एक बात प्रभु को समर्पित करना।
और वो आपको जवाब देगा। सवाल आपके और जवाब उसके। प्रार्थना करते जाना और इस गीत में उसकी स्तुति करना।
आपने आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, कुछ अनकही बातें हैं मन में, दुख है, बड़ा कष्ट है। आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं, उसे अपनी शिकायतें बताते हैं, कभी अपने पति के विषय में तो कभी पत्नी के बारे में, कभी अपने घर के बारे में शिकायतें करते हैं जाके। कभी प्रभु से कह के देखना और वो आपको समझाएगा, बेटा मैंने तुझे क्षमा किया है, तू भी क्षमा कर दे। मैंने तुझ पर दोष नहीं लगाया, अगर मैं तुझ पर दोष लगाऊं तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है, परंतु मैं तेरे पापों और गुनाहों को तुझसे इतना दूर करता हूं जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। मैं उसे गहरे समुद्र में, गर्त में डाल देता हूं। तू मुझसे सवाल पूछना चाहता है तो पूछ, तू मुझसे मशवरा चाहता है तो पूछ। कहता है मैं तुझे शिक्षा दूंगा तेरी आत्मा के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरे परिवार के लिए। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं हारून के साथ रहा, मूसा के साथ रहा, क्योंकि वो मुझे याद किया करते थे, वो मेरे सामने बैठकर गिड़गिड़ाया करते थे और मध्यस्थता किया करते थे। मैं अपने नबियों के साथ रहा, क्या मैं अपने भक्त के घर में नहीं रहूंगा? मैं अपने भक्त के घर में डेरा डालता हूं। मेरे बेटे तुझ क्यों निराश हो जाता है, क्यों दूर चला जाता है? मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर जाए, क्योंकि तू मुझसे दूर जाने का परिणाम जानता है, और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या है। जिस घर में दुआ नहीं, जिस घर में प्रार्थना नहीं, जिस घर में वचन नहीं, उनके जीवन को आप देख सकते हैं। जिन घरों में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, प्यारे भाई प्यारी बहन, उन घरों की बहुत बड़ी दुर्गति है। उन माता पिता के बच्चे उनके साथ नहीं रहते, क्यों? क्योंकि पिता का प्रेम उनमें नहीं है। जिस घर में ईश्वर का प्रेम नहीं है, उस घर में ईश्वर का निवास भी नहीं है। इसलिए आज विशेष रूप से जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम धन्यवाद दें प्रभु के उन महान कामों के लिए जो नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में चमत्कारों के रूप में करता है। इसलिए हम भजन संहिता 65 दोहराएंगे, साम नंबर 65। ये धन्यवाद का भजन है, जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। अब प्रभु की हजूरी में आप बैठे हैं, आपको इस वक्त उसके सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। उस क्षणों के लिए चिंताओं को भूलकर प्रभु की चंगाई की प्रतीक्षा करें। आपके काम बनने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रभु आपके भाग्य को पलटने वाला है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है, ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, हम तेरे
लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता, धन्य है वह जिसे तू चुनता, और अपने मंदिर में निवास करने देता है, और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा, तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है, तू हमारा उद्धारक ईश्वर है, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा। वह अपने सामर्थ्य में पर्वतों को स्थापित करता है, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है, वह पराक्रम से विभूषित है, वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, उसकी लहरों का कोलाहल, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं, तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश, पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं, तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि ली, तूने पृथ्वी की सुधि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया, उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है, तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है, तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू ज्योति हुई भूमि सींचता है, तू ज्योति हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, उसे बराबर करता। पानी बरसा कर नरम बनाता, पानी बरसा कर नरम बनाता, और उसके अंकुरों को आशीष देता है, और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है, अच्छी फसल से भरी हुई है। भरती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं, भरती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं, चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं, घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं, सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का वचन सुनने वाले हैं, ये वचन हमारी आत्मा को जीवन प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले, हम उसकी महिमा के लिए गीत गाएं, छमछम मी बरसा, छमछम मी बरसा, और पिता की महिमा हमारे जीवन में प्रभु प्रकट कर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, आनंद मनाते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएं इस वक्त, वो हम पर उतरे, स्वर्गीय भंडारों से हमारे भंडारों को प्रभु भर दे,
आसमान इस वक्त प्रभु के नाम पर खुल जाए और एक एक व्यक्ति को प्रभु अपनी रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक प्रदान करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठकर पूरे मन आत्मा हृदय से उसकी महिमा करें, स्तुति करें, गीत गाएं, भजन गाएं, आप गाते गाते चंगे हो जाएंगे, गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे, गाते गाते प्रभु आपसे बातें करेगा, आप में से बहुत सारे लोगों के बंधन टूटेंगे, अनेक प्रकार के रहस्य प्रभु आपके लिए खोलेगा। आप में से जितने भी लोग ऑनलाइन मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं दूर दराज से, माताएं, मम्मी पापा, यदि बहुत ज़्यादा आपका काम ज़रूरी नहीं है तो आप कुछ क्षणों के लिए सारे काम छोड़कर मेरे साथ एक हो जाएं, प्रार्थना करें। ये पवित्र क्षण है आपके घर और आपका भाग्य पलटने के लिए। आइए हम प्रभु की महिमा करें, आत्मा की अगुवाई मांगें। चम चम्मी बरसा, चम चम्मी
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। अनेक बार आपने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुना और रोज सुनते हैं और बाइबल में रोज पढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमें प्रेम करता है क्योंकि वह प्रेम है और उसका स्वभाव प्रेम करने का है, उसका स्वभाव देने का है। और इसी के साथ साथ वो अपेक्षा भी करता है कि हम भी उसके साथ रहें, जैसे कि एक साधारण माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। प्रभु भी चाहता है कि उसकी संतान, जिसे उसने बड़े प्रेम से बनाया, अपनी हथेलियों पर गढ़ा, उनके नाम अपनी हथेलियों पर लिखे हैं, वो संतान, वो बेटे और बेटियां प्रभु के सानिध्य में रहें, क्योंकि वह उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहता। वो जानता है कि शैतान का स्वभाव मारने, चुराने, नष्ट करने का है। सबसे पहले शैतान परिवार से, रिश्तेदारों से व्यक्ति को अलग करता है, झगड़े के द्वारा, शक के द्वारा, और उसके बाद उसे अपने जाल में फंसाता है, डिप्रेशन में डालता, नशे में डालता, अनेक प्रकार की ऐसी दुर्भावनाओं में डाल देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए बाइबल हमें बताती सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 में कि नींद को प्यार मत करो, नहीं तो तुम दरिद्र बन जाओगे। नींद को प्यार मत करो, नहीं तो तुम दरिद्र बन जाओगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी मिलेगी, कभी भी कमी नहीं होगी। ये आज का संदेश है, ये आज का संदेश है प्यारे भाई और बहनों। आंखें खुली रखना, आध्यात्मिक आंखों को खुला रखना, परमेश्वर में विश्वास करना, और कहता है नींद को प्यार मत करना, नहीं तो तुम दरिद्र बन जाओगे। आध्यात्मिक जीवन में भी तुम इतने गरीब हो जाओगे कि तुम्हें भरपूरी में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 प्रभु का वचन कहता है, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी मिलेगी, कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन प्रभु दे रहा है, कहता है मौन होकर मेरी प्रतीक्षा करना, मौन रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उचित समय आने पर ये सारी बातें तुम्हारी जिंदगी में पूरा कर दूंगा। जब तेरा उचित समय आ जाएगा, जब मैं जान जाऊंगा कि तू मेरे वरदानों को अच्छी तरह सहेजने के लायक हो गया है, तो बाइबल ये कहती है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करते रहो। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि जो अन्याय बोता है वह विपत्ति लुनता है, उसके क्रोध की लाठी उसे नष्ट कर देगी, उसके क्रोध की लाठी उसे नष्ट कर देगी। जब प्रभु हमसे जो प्रेम करता है, वो आज हमें अपने अनुशासन की लाठी से समझाना चाहता है, वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि हम किस तरह उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं, किस तरह उसकी हजूरी में बने रह सकते हैं, किस तरह हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रह सकते हैं। दिन भर में हम अनेक काम करते हैं, हम अनजाने में बहक जाते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने भाई या बहन से मनमुटाव कर लेते हैं। तो बाइबल ये कहती है प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन में पड़ जाता है। प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन में पड़ जाता है। और सुक्ति ग्रंथ में बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम्हें क्रोध आ जाए तो शाम तक उसे कायम ना रहने दें, सूरज डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें और अपने भाई से जाकर समझौता कर लें और उससे क्षमा की याचना कर लें।
क्योंकि यदि आप अन्याय बोएंगे तो आप विपत्ति लुनेंगे और क्रोध की लाठी आपको नष्ट कर देगी। तो जो समझदारी से भटक जाता है वह प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। जो समझदारी से भटक जाता है वो कहां पहुंचता है? प्रेतों की सभा में, जिसका कोई दीन ईमान नहीं, जिसका कोई कॉन्शियंस नहीं है, जिनका अंतःकरण मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है, जिनको समझदारी नहीं रहती है, बाइबल कहती है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु आपसे कह रहा है आज संदेश के रूप में कि मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग प्रलोभन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग तनाव में, आप में से बहुत सारे नव युवक और युवतियां जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए प्रलोभन में पढ़कर गलत काम करते और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। कहता है मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर के काम काज में चिंतित हैं। प्रियजनों, सुख या दुख ये कभी परमानेंट नहीं होते हैं, ये कभी परमानेंट नहीं होते हैं। आज यदि हम दुखी हैं तो कल हम सुखी होंगे, आज यदि हम सुखी हैं तो हो सकता है कि कल हम दुखी भी हो जाएं। ये कभी परमानेंट नहीं है इंसान की जिंदगी में, ये हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर करता है कि आप और मैं कैसे रहना चाहते हैं। तो प्रभु ये संदेश दे रहे हैं, मेरे बच्चों मैं तुमसे प्रेम करता हूं और आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का उत्सव मनाते जाओ, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, ये क्षणभंगुर है, तुम नहीं जानते ये कब प्राण पखेरु हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को दुखी ना करें, चिंतित रहकर अपने आप को सताएं नहीं, परंतु भरोसा रखें क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक ईश्वर उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग अपनी जिंदगी में शायद आज तक मुस्कुराए नहीं, कई लोग अपनी जिंदगी में शायद आज तक मुस्कुराए नहीं, उनका चेहरा ही वैसा रहता है, उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट दिखती ही नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। पता नहीं उनका चेहरा बाहर से ऐसा होता है या अंदर से भी वैसे होते हैं, ये मालूम नहीं है। अगर आप अपने परिवार में ऐसे हैं तो आज अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराकर बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ आप मुस्कुराकर बात कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बंधन टूटेगा और आपकी जिंदगी में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। शायद आप मेरी बातों को सुन के हंस रहे होंगे, मैं प्रभु के स्थान पर खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा हूं और वो अपने इस दास के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवितों का ईश्वर है। आप में से कितने पति पत्नी हैं या बच्चे हैं, आपस में रोज खटपट खटपट होती रहती है, कुछ ना कुछ टुकुर टुकुर कुटुर कुटुर होता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात चलती है, चाय मीठी नहीं है तो चाय फीकी है, सब्जी में नमक नहीं है तो मिर्ची नहीं है, या फिर कोई अन्य बात आपकी जिंदगी में चलती होगी, कोई बात नहीं, टोकरी में अगर एक बर्तन पड़े रहेंगे, हिले डुलेंगे तो आवाज अवश्य करेंगे, लेकिन अगर उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो अपनी जगह पर सुंदर दिखते हैं। इसलिए अपनी अपनी जगह पर रहकर एक दूसरे का सम्मान करें, अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखें, परमेश्वर में आनंद मनाना सीखें, उसकी ओर दृष्टि लगाना सीखें, और मैंने कहा कि उससे मशवरा करना सीखें। पड़ोसन के पास मशवरा करने मत जाइए, आप वो आपको कभी गलत उचित सलाह नहीं देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उससे बड़े हो जाएं, आप उससे ज्यादा अच्छे हो जाएं। हर व्यक्ति का किसी ना किसी चीज में स्वार्थ रहता है, आप अपने मित्रों के विषय में सोच के देखिए। हमेशा
केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींचने के लिए हम तैयार रहते हैं, और यही कारण है कि जिंदगी में हम खुश नहीं रहते हैं, यही कारण है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंसान का जो दुख इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी रहता है। अपना दुख तो उसका बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन दूसरे का सुख उसके लिए बड़ा दुख बन जाता है। भाई भाई में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। उसके बच्चे थोड़ा अच्छा काम करते हैं, मेरे बच्चे थोड़े अच्छा नहीं करते हैं, या अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हीन भावना के शिकार होकर ईर्ष्या के कारण प्यारे भाइयों और बहनों आपस में एक दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता, सेलिब्रेट योर लाइफ। ये जिंदगी बहुत छोटी है, परमेश्वर ने इसे हमें दिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए मसीही जीवन में एक विश्वासी को इस जिंदगी को बड़े आनंद के साथ जीना चाहिए। इसलिए पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है स्रोत संख्या 34 में कि तुम अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्रोत संख्या 34, पद संख्या 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो तुम जाओ, फिर कभी निराश नहीं होंगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। और इसके विपरीत यदि हम सोचें तो हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं और लगी हुई है, इसलिए हम दुखी हैं, या पैसे की ओर, या बड़ा मकान बनाने की ओर, या बड़ी गाड़ी खरीदने की ओर। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो हमारी पहुंच के अंदर है, हम उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो उसके पास है वो उसका आनंद नहीं लेता। अब किसी के पास अच्छी पत्नी है, वो उसके साथ रह नहीं सकता, किसी दूसरे के साथ आनंद मनाने की कोशिश करता, इसलिए वो दुखी रहता है, चिंता में रहता है, पैसा बर्बाद करता है, नशे में रहता है, बच्चों से दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, अपनी के साथ आनंद नहीं मना पाता है। बस यही कारण है कि उसकी जीवन में खुशी नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि कहीं और लगी हुई है। और प्रभु ये कहता है, तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओ, मेरा वचन सुनोगे, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आपके पास जो है उसमें आनंदित रहो। आप रोटी चटनी खा रहे हैं तो आप खाइए और आनंदित रहिए, लेकिन किसी के घर में यदि आप अच्छा भोजन देखकर लालच करके ज्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। प्रभु यही हमें समझाना चाहता है, मेरे बच्चों मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बेइंतहा प्रेम करता हूँ, मेरी मोहब्बत को तुम परख नहीं सकते हो, मेरे प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई को तुम नहीं समझ सकते हो। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि कौन परमेश्वर के प्रेम की लंबाई चौड़ाई और गहराई को जान सका है, कोई नहीं जान सका। उसने प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर उसने प्रमाणित किया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह दुखियों से दूर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग दुखी हैं, कष्ट में, चिंता में हैं, कहता है घबरा मत, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। जिनका मन टूट गया है, बाइबल कहती है कि प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तो स्त्रोतकार इस वचन को आगे बढ़ाते हुए हमें बताता है भजन संहिता 123 पद संख्या 2 में, भजन संहिता 123 पद संख्या 2 में, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। ये एक विश्वासी का
विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए कि जब तक वो दया ना कर दे, जब तक आपके बिगड़े काम सवर न जाएं, तब तक आपकी आंखें टकटकी लगाकर उसकी ओर निहारते रहें और आप धन्यवाद करते जाएं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। स्रोत संख्या 123, स्रोत संख्या 123, पद संख्या 2, पद संख्या 2, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उपस्थिति को अनुभव करें। जब आपके घर में आपका प्रेमी या आपका मित्र आता है तो आप उसकी उपस्थिति से आनंदित होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? कोई मेहमान आता है या आपके प्रियजन आते हैं, उनकी उपस्थिति आपको खुशी देती है नहीं देती है? ठीक उसी तरह से जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उसकी आराधना करते हैं तो उसकी उपस्थिति हमें आनंदित करे। और यदि ये आनंद आपको नहीं मिल रहा, यदि आप जबरदस्ती से आप प्रार्थना में बैठे हैं या आपका मन कहीं और है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मन को एकाग्र करके परमेश्वर की ओर लगाना और चले आना, और वो आपको आशीष प्रदान करेगा और आपके बिगड़े हुए कामों को प्यारे भाइयों और बहनों वो पूरा करेगा। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल ये कहती है, स्रोत संख्या 34 पद संख्या 18, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। बोलिए आमेन हालेलुया। स्रोत संख्या 34, स्रोत संख्या पद संख्या 18, पद संख्या 18, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता, प्रभु दुहाई देने वालों और की सुनता, उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, वह अपनी प्रजा के बीच निवास करेगा, उनके आंसू पोंछ डालेगा, इसलिए संत पौलुस कहता है, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। आमेन हालेलुया हालेलुया। कितने सुंदर वचन। आप में से जो चिंता में है, परेशानी में है, फाइल पास नहीं हो रही, कोई कर्ज लेने के लिए फाइल आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो पास नहीं होती है। कई बार मैं सोचता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है, जानते हैं हम जबरदस्ती से उस कर्ज को पास कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वो कर्ज हम ले, क्योंकि वह जानता है कि इसके पास देने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। शायद कभी कभी मैं सोचता हूं इसीलिए हमारे कर्ज की फाइल जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। एक गरीब व्यक्ति कर्ज के लिए फाइल लगाता है या लोन लेने का प्रयास करता है या किसी तरीके से भी उस काम को करता है। और यदि हम इस वचन पर विश्वास करें, यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, कि मैंने तुम्हारे हित की योजना बनाई, अहित की है, अहित की नहीं, तो यदि वो योजना हमारे हित में नहीं है तो परमेश्वर उसे पूरा नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूं इस बात पर, वो योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। हो सकता है कि हम उसे जबरदस्ती से पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर तब उसे पूरा करता है जब उचित समय आ जाता है। और आपके लिए प्रभु जानता है कि हाँ, अब ये व्यक्ति इस चीज को पूरा कर सकता है, ये मेहनत कर सकता है, तो वो आपके काम को पूरा करता है। यदि आप यर्मिया नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 पर भरोसा करें तो, और प्रभु आपके जीवन में आशीषें बरकतें और आपके बिजनेस पर मेहनत मजदूरी पर आशीष प्रदान करेगा। वो सांत्वना देता है निराश हृदयों को, टूटे हुए हृदयों को ढारस बंधाता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने मित्रों के बातों से आहत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सहन नहीं कर पाते,
क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम अपनी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। इसलिए संत पौलुस लिखता है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता ईश्वर, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर, वो सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे कि ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। तो जैसा हमें मिला है हम भी एक दूसरे के साथ बांटने की कोशिश करें। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं, याद करें। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 4 धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु ईश्वर, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर, वो सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। आमेन। हालेलुया। तो जो सांत्वना ईश्वर के वचन के ओर से हमें मिलती, जब उस वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन ये कहता, संत पौलुस लिखता है कि हम उस सांत्वना को अपने मित्रों के साथ साझा करें, बच्चों के साथ साझा करें, पड़ोसियों के साथ साझा करें, मित्रों के साथ साझा करें। जब आप मध्यस्थ प्रार्थना में बैठते हैं या विश्वासियों की संगति में बैठते हैं तो एक दूसरे से वचनों को साझा करें। मैं आपको आज एक बात प्रभु की ओर से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में जब एक साथ बैठते हैं या किसी संगति में बैठते हैं तो वहां पर एक दूसरे की बुराई ना करें। आप इस वचन के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करें, इस वचन को शेयर करें, उस संगति में ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का वचन बोलकर अपने वक्तव्य को आप सपोर्ट करें। हर बात में ईश्वर के वचन के द्वारा आप प्रभु की बातें करते हुए अपने मित्र, अपने भाई, अपनी बहन और अपने अधिकारियों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि सब लोग कमजोर हैं, हर व्यक्ति कमजोर है। बाइबल हमें बताती है, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 23 में बार बार हमें इसी बात को समझाता है कि सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। छोटा हो बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा नहीं है। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति बाइबल कहती है इस दुनिया में अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है प्यारे भाइयों और बहनों कि वो आपको और मुझे सुरक्षित रखेगा, आपको और मुझे सुरक्षित रखेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद शक होगा कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हम बीमार हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, ये बीमारी दूर जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम मांगने से पहले ही अपने जीवन में अनेक प्रकार के शकों से भरे रहते हैं, डाउट से भरे रहते हैं, होगा या नहीं होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रियजनों, मुझे बड़ी खुशी है कि परमेश्वर इस वचन की घोषणा के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारे काम कर रहा है। आपकी गवाहियां इस बात का साक्ष्य देती हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप में से बहुत सारे लोगों को चंगाई दी है। कई भाई बहन फोन करते हैं कि फादर, गाते गाते, प्रार्थना करते करते, वचन को सुनते सुनते हमने अपने शरीर में चंगाई का अनुभव किया, प्रेजन वर्शिप के दौरान हमें परमेश्वर ने स्पर्श किया, फादर जी आपके हाथों में हमने प्रभु का लहू देखा, जब आप लहू की विनती करते हुए लोगों को आशीर्वाद देते हैं उस वक्त परमेश्वर ने हमें ये चिन्ह दिखाया और उस अभिषिक्त हाथों को अपने पवित्र लहू से भर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास की आंखों से सब कुछ संभव है। यदि आप और मैं विश्वास की आंखों से देखें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस वक्त लगभग
1500 से ज्यादा परिवारों में इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके घरों में प्रभु का वचन पहुंच रहा है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपके परिवारों के लिए, आपके जीवन के लिए। आप अपना जो समय, कीमती समय जो आप प्रभु को देते हैं, ये संध्या के समय जिन घरों में लड़ाई होती है शाम को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इस आराधना को शाम को अपने घर में बैठकर देखिए, उसमें भाग लीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस YouTube चैनल को शाम को आप ऑन कीजिए 7 से 9 बजे तक, आपका घर महिमा से भर जाएगा, आपके घर से नशा दूर चला जाएगा, आपके घर से लड़ाई दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु के वचन की घोषणा हो रही है। कई घरों में शाम को प्यारे भाइयों और बहनों आराधना का जो समय है 7 से 9 बजे का, जो प्रेशियस वक्त है, जो धन्यवाद देने का वक्त है, जो अनुग्रह प्राप्त करने का वक्त है, जो ईश्वर की आशीष को अनुभव करने का वक्त है, ऐसे समय में प्यारे भाइयों और बहनों घर में या तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर पार्टी हो रही है, या फिर नशा चल रहा है। हाँ, पार्टी करिए, प्रभु को उससे चिंता नहीं है। आप आनंद मनाइए, आप भोजन करिए, अच्छा अच्छे पकवान खाइए, लेकिन सबसे पहले प्रभु को आप समय दे दीजिए, उसके वचन से आप अपने पथ को आलोकित कर लीजिए, ताकि आपको जब लड़ाई का मौका आए या कोई आपको बात बोले तो आप उस वचन को सहन कर सकें। कई बार मुझे कई परिवार के लोगों ने कहा, फादर जी, शाम का जो समय हमारा अन्य बातों में बीतता था, अब वो हमारा समय प्रार्थना में आपके साथ बीतता है। धन्यवाद फादर, हमारा घर बदल गया है, हमारे घर में ये बुराई थी, ये अब समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, एक भाई ने तो इतना कहा कि फादर, आपने शाम के समय हमारी दारू बंद करा दी है, हम भूल गए हैं, परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया है, हमें छू लिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके वचन में सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि वो वचन जिंदा है, और जिंदा व्यक्ति यदि वचन बोले तो उसके वचन में ताकत है, सामर्थ्य है, वो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार के जैसा है। मरा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता है, आप जानते हैं, जिंदा व्यक्ति बोल सकता है, और जब वो बोलता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसके वचनों में उत्साह है, उसके वचनों में प्रोत्साहन है, उसके वचनों में मोटिवेशन है, उसके वचनों में आशीर्वाद है। जैसा कि गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसराइलियों को आशीर्वाद देते समय तुम इन बातों को बोला करो। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 और उससे आगे। सुंदर वचन है, प्रभु हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कहो कि तुम इसराइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुमको तुम पर दया करे, प्रभु तुम लोगों पर कृपा दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। यही आशीर्वाद मैं प्रभु की ओर से आज आप लोगों को देता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कामकाज में उन्नति आए, आपकी मेहनत मजदूरी को प्रभु आशीष दे, आपके खेत खलियान, माल डंगर, खेती बाड़ी, आपकी भूमि, आपके बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर आशीष दे, आपकी संतानें, आपके नाती पोते ईश्वर के आशीष में सदा सर्वदा बने रहे। आप जो भी काम करें उसमें उन्नति आए, आपके जीवन में परमेश्वर की रूह का ताजा मसा और अभिषेक हमेशा हमेशा के लिए छाए रहे। जो कोर्ट कचहरियों के केसेस में उलझे हुए हैं, वो बंधन आपके जीवन से आज टूटे। जो न्याय की खोज में है, जो न्याय की खोज में है, न्याय की राह देख रहे, कोर्ट कचहरियों से आपको न्याय मिले, विश्वास करना ईश्वर की महिमा देखेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं उचित समय आने पर ये सारी बातों को मैं पूरा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि शोकीत अध्याय 3 पद संख्या 22 से 23 में हम पढ़ते हैं कि उसकी कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है, वो हर सवेरे नई हो जाती है, क्योंकि उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। तो जब संसार के पाप बुराई हमें नष्ट करने के लिए आते हैं, तो याद रखना परमेश्वर का लहू, जो जिंदा लहू है, वो हमें बचाने के लिए आता है।
आशीर्वाद देने के लिए आता, बशर्ते कि आप उसे याद करें। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने 3-4 बार बाइबल पढ़ा है, क्या आपने उन रहस्यों को समझा? क्या आपने पवित्र आत्मा से कभी कहा कि मुझे इन वचनों का रहस्य समझाइए, या मुझे इन वचनों को याद करने की ताकत दीजिए, याददाश्त दीजिए, सामर्थ दीजिए? प्रार्थना करना, जो आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, और परमेश्वर के सामने खड़े होकर जो आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, मैंने कहा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसका परिणाम यह है कि उसने उस प्रेम को प्रमाणित किया क्रूस पर। और इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 12 पद संख्या 24 में हमें यह बताता है कि नए विधान के मध्यस्थ ईसा मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है, वो मुझे और आपको अपनी आशीषों से भरता है। उसकी कृपा हम सब पर बनी रहती है, और उसका लहू, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जीवन देता है, शिफा देता है, चंगा करता है। उसने अपना लहू बहाकर, मैंने कहा, हमें खरीदा है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, लेकिन उसकी दया के कारण हम जिंदा हैं, उसकी कृपा के कारण हम जीवित रहते हैं, क्योंकि उसकी कृपा हर दिन हर सवेरे नई होती है। हम दिन भर में इतने पाप करते हैं अपनी जुबान से, आंखों से, कानों से, कि हम उसकी हजूरी में खड़े होने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें इस लायक समझता है कि आप उसके सामने आए और बैठे, और वो आपको हर दिन क्षमा करता है, मुझे हर दिन क्षमा करता है, आशीष प्रदान करता है। इस बात को अनुभव करके देखना कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना भला है, एक विश्वासी की जिंदगी में ये अनुभव आना, प्यारे भाइयों और बहनों, अनिवार्य है। मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा आपके लिए। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें कि प्रभु इनके परिवारों को आशीष दे, मेरे बुजुर्ग माता पिता को और इन तमाम बच्चों के माता पिता को आशीष दे। इनके जीवन में जो कष्ट है प्रभु आप जानते हैं, इनके कष्टों को इनसे दूर कर, इनके मन, आत्मा, हृदय को, इनके शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, इनकी सेवकाई को ब्लेस करना। इनके जीवन में हे प्रभु यीशु, जो भी कमी घटी है तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य से वो पूरी हो जाए। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 6-7 में, तू मेरे छिपने की जगह है, इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे परिवार को अपने हृदय में छिपा लीजिए। आप यीशु में हैं और यीशु आप में है, आपके आसपास है, यीशु आपके घर में है। इसलिए सफन्या नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखता है कि वो आपके कारण आनंद मनाता है। परमेश्वर आपके कारण आनंद मनाता है। आप में से जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आपके कारण आनंद मना रहा है, क्योंकि आप उसकी हजूरी में खड़े हैं। हम प्रार्थना करें, बंधन टूटे यीशु के नाम पर, स्वर्गीय भंडारों से आशीष हमारे घरों पर उतरे और हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, मेरी शक्ति के
समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रार्थना करते जाइए करते जाइए। अनेक लोग जो परेशान हैं, चिंता में, बीमारी में हैं, अपने दफ्तर में अपने सहयोगी के कारण
परेशान है, चिंता में है, कई लोगों पर झूठे दोष लगाए गए हैं, निर्दोष फंसाया गया है, जेलों में है, प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना करते जाना। कई परिवारों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव है, प्रार्थना करते जाइए, बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार की रोग बीमारी का बंधन टूटे, ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ये सारे बंधन टूटे यीशु के नाम पे। प्यारे भाई प्यारी बहन प्रार्थना करते जाइए, बेरोजगारी का बंधन टूटे यीशु के नाम पर। आप में से जितने लोग नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु आपके लिए नौकरी का प्रबंध करे, क्योंकि वह प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपके घर में माता पिता और बच्चों के बीच में जो मनमुटाव हैं वो दूर हो जाएं। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, प्रभु इन्हें याददाश्त का आत्मा ज्ञान बुद्धि का वरदान इन्हें प्रदान करने की कृपा कर। बुजुर्ग माता पिता के हाथ पैरों में बल दे प्रभु। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में सफलता दे। जो प्रभु निस्वार्थ सेवा करते हैं तेरी सेवा में लगे हुए ने आशीष प्रदान कर। विश्वासियों को पवित्रता और विश्वास का वरदान दे। जो तेरे नाम की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु उन्हें उत्साह प्रदान कर। हे प्रभु तेरा वचन हमारे पांव का दीपक है, हमारे रास्तों में उजाला करे। जिन भाई बहनों में आपसी झगड़े हैं क्लेश हैं प्रभु उन पर दया कर, क्षमा कर, एक एक व्यक्ति को क्षमा कर। जिन पति पत्नियों में मनमुटाव है प्रभु इन्हें आपस में एक दूसरे को क्षमा करने का सामर्थ्य प्रदान कर, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति दे। मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु। दया करना तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले पिता परमेश्वर। तेरा वादा है कि जो मेरे पास आएगा प्रभु आपने कहा वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। हम पर दया कर प्रभु, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी मन्नतें तेरे चरणों में रखते हैं, हमारा विश्वास है तू हमारी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। यहाँ इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं प्रार्थना कर रहे हैं आंसू बहा बहा कर, हे प्रभु जिन घरों में श्राप है, जिन घरों में नशा है, जिन घरों में ड्रग्स का नशा है, जिन घरों में प्रभु अनेक प्रकार की ऐसी बातें जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, बंधन है, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से उन सारी बुराइयों को बंधनों को कैंसिल करते हैं यीशु। तेरे पवित्र वचन के सामर्थ और लहू के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से अधिकार लेते हुए इनको तेरे इन बच्चों के जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं, हर बुराई को कैंसिल करते हैं, हर पाप श्राप को इनके जीवन से। ये तेरे बेटे हैं, तेरे बच्चे हैं, तूने इन्हें लहू बहाकर प्रभु यीशु खरीदा। इन्हें अपनी रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक प्रदान कर, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बार बार सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जो रोगशैया पर हैं, जो ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, लकवे की बीमारी, एड्स की बीमारी, शुगर के रोग, शरीर के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, किडनियों के रोग, हृदय के रोग, प्रभु जिनकी नसें सूख गई हैं, लकवा हो गया है, खाट पर पड़े हुए चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रभु इन पर दया कर। जो डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं उनको सामर्थ्य दे कि वह आपका मार्गदर्शन पाकर इनका सही इलाज कर सके, और तू इन पर दया करे, इनके पापों को क्षमा कर, कमजोरियों को नज़रअंदाज कर, इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार करना। हे प्रभु जो लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, रक्तस्राव की बीमारी, सफ़ेद दागों की बीमारी, शरीर की कमजोरियां, कैंसर की बीमारी, टीबी के रोग, बुखार से जो पीड़ित हैं प्रभु उन पर दया कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। बार बार
प्रभु आपके और मेरे हाथ पैरों में बल दे, जिससे कि हम उसकी हजूरी में संपूर्ण समय व्यतीत करके आशीषों को प्राप्त करें। घुटना टेकिए इस वक्त, निसंतान दंपति प्रार्थना करें, आंसू बहाते हुए एक दूसरे को क्षमा करते जाएं, अपने शरीर पर में जो भी कमी घटी है समर्पित करना, अपना दाहिना हाथ अपने उस जगह पर रखिए जहां पर आपको समस्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आज छुआ, आप में से बहुतों ने प्रभु से सवाल किए हैं, यीशु की आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है। आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसका वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। संत पौलुस कलोसियों को लिखता और कहता है, आप जो कुछ भी कहें या करें सब कुछ प्रभु ईशा मसीह के नाम पर किया करें, क्योंकि आप लोग उन्हीं के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, ये पवित्र समय है। प्रभु इस वक्त वचन के माध्यम से आपको शिक्षा दिया, अब आप लोगों को ब्लेस करें, आपकी योजनाएं जो आपने बनाई हैं वो पूरी हो जाएं, आपकी मन्नतों को प्रभु स्वीकार करें और आपके जीवन में पूरा करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे वचन आत्मा और जीवन है, ये हमारे पथ को आलोकित करते हैं। आज तू अपने इन बच्चों पर दया दृष्टि करने की कृपा कर, जो निराश हैं, टूटे हुए हैं मन से, उदास हैं, इन पर दया कर, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं प्रभु इन्हें बल दे। तू सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, कुछ लोग अपने जीवन में निराश उदास हैं, जिनका मन टूट गया है, दुर्बल है, इन्हें अपनी कृपा प्रदान कीजिए। सर्वाइकल के रोग, माइग्रेन की बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर की बीमारियां, हे प्रभु, जो मस्तिष्क में क्लॉट्स बन गए, गांठे हैं, तेरे पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाए। जिन्हें याददाश्त की कमी है उन्हें वरदानों से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। जो शारीरिक कमजोरियों से पीड़ित है प्रभु, इनके शरीर में बल प्रदान कीजिए। तू अपने इन बेटे और बेटियों के परिवारों को आशीष दे, इनके घरों में तेरे रक्षा स्तंभ लगे, माल डंगर खेती बाड़ी पर आशीष दे। हे प्रभु, इनके कमजोर स्वभाव को प्रभु दृढ़ बना दे, ये अपने जीवन में एक दूसरे को क्षमा करते जाए, तेरी आशीषों में बढ़ते जाए। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ। नौजवान बेटे और बेटियां जो तेरी आशीष की राह देख रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए नौकरी के द्वार खुल जाए। जो नशे और ड्रग्स जैसी बुराई से पीड़ित है, अश्लीलता व विचार के बंधनों में है, इन्हें आजाद करने की कृपा कर। तू मुझ अयोग्य दास पर दया कर, हे प्रभु, तेरा पवित्र लहू सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ, तेरे संरक्षण की मांग करता हूँ, तेरे रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, और इन लोगों को चंगाई प्रदान करे। तू अपने दास की वाणी को सुनता है और उसे सच प्रमाणित करता है, अब तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
प्रभु आपको आशीष दे।